नमस्ते फ्रेंड, अनन्यास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई मेथी। चलिए इसके लिए हम सामग्री देखते हैं। एक छोटा प्याज कटा हुआ, टमाटर और हरा धनिया, और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मेथी। चलिए तो शुरू करते हैं मलाई मेथी। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच राई और 1 तेज पत्ता। इसके बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे हम अच्छी तरह पकने देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक। टमाटर अच्छी तरह पकने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच हरी चटनी डालेंगे। इसके बाद हम इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह पकने देंगे। लगभग 1 मिनट के बाद अब हम इसमें हरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मेथी को लगभग हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। मेथी लगभग आधी पक चुकी है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लगभग धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे पकने देंगे। इसे हम लगभग 5 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। इसे हम कम आंच पर रखेंगे। मेथी लगभग 5 मिनट के बाद पक चुकी है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम या मलाई लगभग 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलाई ऊपर आ चुकी है और बेहद खूबसूरत डिश नज़र आ रही है। आप इसकी खुशबू से ही पहचान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बनी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अब आपकी मलाई मेथी तैयार है सर्व करने के लिए।
एंजॉय कीजिए मलाई मेथी। धन्यवाद।